हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि देख पा रहे हो कि मैं अभी पल्सर 150 लेके निकला हूँ। तो आज का ब्लॉग में ये होने वाला है कि मैं अपना पल्सर 150 ट्विन डिस्क का मतलब सेकंड सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ। तो गाइज, ब्लॉग में बने रहो। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ बजाज शोरूम, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आज सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ अपना बाइक का। तो ये BS6 मॉडल है आपका, 2020 का। मैंने 13 सितंबर को शायद से ख़रीदा, हाँ 13 सितंबर को ख़रीदा। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है, तो और सेकंड सर्विसिंग नहीं हुआ, तो मतलब मैं आज मतलब सेकंड सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ। तो सेकंड सर्विस का डेट ऑलरेडी मतलब जा चुका है, 2 या 3 मंथ्स हो चुका है जाने का। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है इसका मतलब सर्विसिंग करवाने का, तो मतलब इसलिए सर्विस करवा नहीं पाया। और अभी जैसे कि ये 4481 किलोमीटर रन कर चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग। तो आज मतलब मैं फ्री था थोड़ा सा, तो निकल गया कि सर्विसिंग करवाने। और बाइक का मतलब क्या बोलो, इतना दिनों से सर्विसिंग नहीं हुआ है और बहुत रफ हो चुका है बाइक। मतलब स्मूथनेस जैसा जो था उसमें, वो अब नहीं रहा है। तो गाइस, ब्लॉग पे बने रहो और देखते हैं कि आज पल्सर 150 का सर्विसिंग में, सेकेंड सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ चेंज होता है। ऑयल तो चेंज होगा श्योर हो, इसके साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, एयर फिल्टर वगैरह एंड क्या क्या चीज़ चेंज होगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहो और देखते रहो। और इसका क्या सर्विस कॉस्ट आता है सेकंड सर्विसिंग में, तो मैं आपको सब बता दूंगा डिटेल्स में। और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल को, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को। साथ ही साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करो, लाइक करो। और जिन्होंने अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग फॉलो कर देना गाइस इंस्टाग्राम में। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ही बाइक चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और रिसेंटली तो मैं गुवाहाटी गया था, तो गुवाहाटी से मैं आया परसों को। इतना रफ हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि मतलब फोर्थ गियर में चला के ऐसा फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और इसका पिकअप भी कम हो गया है। और पापा मुझे हर टाइम बोलते रहते हैं कि सर्विसिंग करवा सर्विसिंग करवा, लास्ट 2 मंथ से बोल रहे हैं और मैं निकल ही नहीं पाता उसको लेके सर्विस करने। तो आज मैंने बोला कि चलो पापा आज जाता हूँ, आज जाके आपका सर्विसिंग करवाता हूँ। तो गाइस, अभी आके जस्ट पहुँचा मैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आने के बाद बुकिंग कराना पड़ता है, तो बुकिंग करवा लिया मैंने। बुकिंग करवाने के बाद अभी पता चला कि मेरा सेकंड सर्विस नहीं होगा, तो अभी मतलब थर्ड सर्विसिंग डायरेक्ट होगा, तो मैं अभी डायरेक्ट थर्ड सर्विसिंग के लिए कर लिया। तो गाइस, अभी फिलहाल मेरा सर्विसिंग हो रहा है, सर्विसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये लोग पहले अच्छी तरह से वॉशिंग करेंगे, देन मेरा सर्विसिंग स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अभी मेरा बाइक आ चुका है, तो उसका अच्छे से वॉशिंग हो चुका है। तो अभी मतलब अंकल जो है वो मतलब बाइक को ड्राई कर रहे हैं। अंकल आप मुझे थोड़ा बताइए अभी मतलब क्या होगा फर्स्ट? इंजीनियर चेंज होगा। अभी इंजीनियर चेंज होगा ना, तो उसके साथ साथ क्या क्या होता है साथ साथ थर्ड सर्विसिंग में? चेन डुप्लीकेट होगा। चेन क्या? डुप्लीकेट। अच्छा, गियर ऑफ लेंगे, चेन खींचेंगे, ब्रेक खींचेंगे, फिल्टर, एयर फिल्टर, लॉक ला। और जो बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होगा वो सब आप सॉल्व करेंगे ना? तो ठीक है, अभी जैसे कि अभी इंजीनियर अभी मतलब निकाला जा रहा है, देन वो लोग डालेंगे फिर से। और तो अभी ये गियर ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आप जैसे कि अंकल मतलब चेन टाइट करेंगे, तो आपका एयर फिल्टर यहाँ पे होता है, तो अंकल ने अभी एयर फिल्टर निकाला, एयर फिल्टर अभी वॉश करेंगे अंकल। तो अभी मतलब एयर फिल्टर को वॉश किया, देन अभी मतलब वो लोग फिट कर देंगे। तो एयर फिल्टर यहाँ पे होता है इसलिए, और मुझे मतलब बाइक को मैं ज़्यादा पता तो नहीं है, थोड़ा बहुत अभी पता कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी जैसे कि देख पा रहे हो इंजन ऑयल वो लोग डाल रहे हैं। तो अंकल ये इंजन ऑयल कितना लीटर का है? हाँ, 1 लीटर 200। 1 लीटर? 1 लीटर। हाँ अच्छा, ये 1 लीटर का इंजन ऑयल है तो डाल रहे। अच्छा, पेट वाला सर्विसिंग में तो मतलब खुद का इंजन ऑयल भी तो डाल सकते हैं ना, कैस्ट्रोल वगैरह?
और तो जैसे कि पेट वाला सर्विसिंग में मतलब कैस्ट्रोल या फिर मोटर कुछ भी डाल सकते हैं, अभी फिलहाल मतलब फ्री सर्विसिंग है तो इसलिए मतलब बजाज का डालें हम लोग। हाँ हाँ, कैसे भी बजाज का डालने से अच्छा है। अच्छा, तो अंकल बोले कि स्पेशली बजाज का डालने से अच्छा है क्योंकि ये बजाज के बाइक है। तो अभी अंकल मतलब चेक करेंगे कि मतलब क्या चेक करेंगे अंकल, माइलेज की सही दे रहा है, माइलेज कितना दे रहा है, सही दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, तो वो भी चेक करेंगे। तो अगर माइलेज कम देता है तो वो सेट करके देंगे। फिलहाल तो माइलेज मेरा कम ही दे रहा है, कम दे रहा है ना, अच्छा दे रहा है, सही दे रहा है ना, तो सही दे रहा है। ये कौन सा चीज़ है, कार्बोरेटर है, प्लग है, ये प्लग है, तो वो साफ करेंगे ना। अच्छा अंकल, इसका चौक किधर है? चौक नहीं है। तो अच्छा, BS6 में चौक नहीं मिलता है, पहले ऑटो चौक है। तो BS6 में आपका ऑटो चौक है, इसमें चौक नहीं है। मैं पहले जब बाइक खरीदा था तब मैं ढूंढ रहा था कि इसका चौक किधर है, चौक किधर है, तो पता चला कि चौक है नहीं यार। 220 में तो चौक है नहीं, मुझे पता है, बट पल्सर 150 का BS6 मॉडल चौक नहीं है। तो अभी अंकल मतलब हर जगह पर थोड़ा मोबाइल डाल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा मतलब आपका रश हो गया, वहाँ पर मतलब थोड़ा मतलब क्लीन करके दे रहे हैं, तो उस जगह में मतलब आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइस, सर्विसिंग हो चुका है मेरा बाइक का, थर्ड सर्विसिंग। तो अभी मतलब मैं थोड़ा ट्रायल लेके आ रहा हूँ, टेस्ट देके आता हूँ कि बाइक ठीक से मतलब सर्विस हुआ है कि नहीं, तो मतलब थोड़ा अभी मतलब चला के आता हूँ। फिर अभी बिल पेमेंट करना हुआ नहीं है, तो मैं बिल आके पेमेंट करूँगा। उनको मैंने बोला कि मैं चला के देख लेता हूँ एक बार बाइक कैसा है, मतलब स्मूथनेस कैसा दे रहा है, या फिर बाइक में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अभी ठीक करके दे देंगे। थोड़ा सामने से घूम के आते हैं फिर। तो गाइस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं घर पे आके पहुंचा, फिर फ्रेश हुआ, फिर खाना वाना खाया। तो जैसे कि मैं आज सेकंड सर्विसिंग गया था अपना पल्सर को लेके, तो सेकंड सर्विसिंग आपका हुआ नहीं, तो थर्ड सर्विसिंग हुआ, क्योंकि सेकंड सर्विसिंग का जो डेट था वो मेरा एक्सपायर हो चुका था, थर्ड सर्विसिंग मैंने डायरेक्ट करवा लिया। तो थर्ड सर्विसिंग में आपका बस इंजन ऑयल चेंज हुआ और एयर फिल्टर वगैरह वर्क हुआ और ब्रेक शू वगैरह मेरा थोड़ा लूज हो गया था तो वो टाइट किया, साथ ही साथ मेरा क्या बोलता चेन वगैरह मेरा लूज हो गया था तो वो टाइट वगैरह कर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरा बाइक का कनेक्शन होंगे तो बहुत स्मूथ हो गया अभी। तो गाइस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरा एक प्रोडक्ट आके घर में पहुंचा, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला प्रोडक्ट क्या है। मतलब मैं काफ़ी दिनों से वो मतलब वेट कर रहा था वो प्रोडक्ट का, तो फाइनली ले जाके आज आ गया। तो गाइस, आ चुका है फाइनली, रेनॉक्स आया है मेरा एक प्रोडक्ट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो आप लोग गेस करो कि ये क्या है। तो आपके सामने मैं एक अनबॉक्सिंग कर लेता, ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स कर लिया, बट अभी आप लोगों के सामने एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा राइनॉक्स का जैकेट, तो अभी आपको मैं पहन के दिखाता हूँ। गाइस, जो जैकेट देख रहा हूँ मतलब काफ़ी भारी है, बहुत वेट है इसका, अप्रॉक्स 3 kg वेट है। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ एक सिनेमेटिक शॉट से। सो गाइस, आ गया जैकेट पहन के, और मेरा डोनेशन भी आपको दिखाता हूँ विदाउट जिम जाके, ये रहा मेरा डोनेशन। तो गाइस, ये है आपका राइनॉक्स का टोर्नेडो प्रो 4 जैकेट। तो ये जैकेट आपका मैंने अमेजोन से खरीदा है, किसी को अगर परचेज करना है तो आप लोग अमेजोन से परचेज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप खरीद सकते। इसका प्राइस पड़ा आपका 7,900 से था, तो मुझे डिस्काउंट में मिल गया। तो यहाँ पे आपका चेस्ट प्रोटेक्टर है, यहाँ पे हैंड गार्ड फिर बैक गार्ड है, मतलब काफ़ी अच्छा है। बट ये जो जैकेट है ना, थोड़ा मेरा छोटा पड़ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अभी फिलहाल के लिए ये रख देता हूँ, इन फ्यूचर कोई अच्छा लगा तो अपग्रेड कर लूँगा और जैकेट में, इन फ्यूचर तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। गाइस, कल वीडियो लाइव हो जाएगा आपका 11 बजे को, तो आप लोग जरूर जाके देखना। और लास्ट का 2 वीडियो में आपने लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब मैं बहुत खुश हो गया। और कल मतलब मैं एक रोड ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ, वो 1 week का रोड ट्रिप होने वाला है। अब तक मुझे इंस्टाग्राम में मतलब फॉलो नहीं किया, तो आप लोग फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो टिल देन, इट्स सेफ, डोंट एंड साइनिंग आउट, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू सून।